Good morning, 7th class. Beta, welcome to your science class. I'm your science teacher, Mr. Dheeraj Bhati. And as you know, beta, we are doing chapter 4 of our science book. This is your science book, right? हम beta heat and temperature chapter 4 है हमारा, हम वो कर रहे हैं. तो आइए आज beta अपनी class हम page number 46 last paragraph जो आप देख पा रहे हैं ये वाला paragraph जो है यहाँ से अपनी class start करते हैं. चलिए पहले समझते हैं कि हम क्या कर रहे थे. रेडिएशन में आपको बताते हैं रेडिएशन क्या होता है. अब उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है रेडिएशन की, मतलब वो सारी जगह है जहां पर आप रेडिएशन को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, उसके बारे में जानते हैं आज इस वीडियो में. ओके, पेज नंबर 46 बेटा, इस वाले लास्ट पैराग्राफ से मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ. ओके, पेज नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन. हीट रेडिएशन ट्रेवल्स इन वैक्यूम एंड इन एयर जस्ट लाइक लाइट रेज. कि बेटा जो हीट रेडिएशन है बेटा वो हवा में वैसे ही ट्रेवल करता है जैसे हमारे आसपास आप लाइट रेज देख पाते हैं. That is why electric room heaters have mirrors behind the heating coil. और इसी वजह से बेटा जितने भी electric room heaters हैं जो आप इस जगह पे देख पा रहे हो, इनके पीछे अगर आप देखेंगे बेटा mirrors होते हैं, वो क्यों होते हैं देखते हैं. This helps in focusing the heat from the heating coil in front of the heater. और इसी वजह से क्या होता है बेटा, ये heat को focus करने में help करता है heater से, क्योंकि जब वो heater से जो heat निकलती है वो सीधा बाहर की ओर जाती है. आगे बढ़ते हैं. Solar panels used in households for heating water are designed to maximize the absorption of heat from the sun. और जो solar panels लगे होते हैं बेटा, जो जिसको हमें बनाए इसलिए जाते हैं कि वाटर को हीट करें, वो कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं कि बेटा सन की रेस को वो कम्प्लीटली पकड़े और हमारा वाटर हीट करके दे. A black metal sheet is used to increase the heat absorption. और बेटा जैसे आप जानते हैं कि जो ब्लैक कलर होता है वो हीट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसी वजह से जो ब्लैक मेटल शीट होती है बेटा उसको हम सोलर पैनल लगाते हैं सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करे. आगे बढ़ते हैं. अ थर्मोमीटर कॉल्ड द ब्लैक बल्ब थर्मोमीटर. अंडरलाइन कर लीजिए कि एक थर्मोमीटर होता है जिसका नाम होता है ब्लैक बल्ब थर्मोमीटर. यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग बाय रेडिएशन टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड बाय सोर्सेस सच एज द सन. ओके, इसका जो मेन पर्पस होता है बेटा वो ये होता है कि वो ये जो ब्लैक बल्ब थर्मोमीटर उसका मेन पर्पस ये होता है कि वो मेजर करता है उस अमाउंट को, रेडिएशन के अमाउंट को जो सोलर पैनल ने सन से खींची एब्जॉर्ब करी है. सम कॉमन ऑब्जर्वेशंस के बारे में जरा बात करते हैं. ओके, कूलिंग कॉइल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर. आपने देखा होगा बेटा हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनके पीछे की साइड कूलिंग कॉइल होती है, राइट, वो कॉपर से बने होते हैं. बिकॉज इट कंडक्ट्स अवे हीट क्विकली, क्योंकि बेटा वो हीट को बहुत जल्दी कंडक्ट अवे करते हैं. कनेक्ट मतलब होता है बेटा कि जो बाहर की हीट होती है बेटा, सॉरी, जो फ्रिज की हीट होती है उसको बाहर फेंक देते हैं ताकि हमारा रेफ्रिजरेटर ठंडा रहे और हमारा रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ सामान भी ठंडा रहे. ओके, कॉपर बीइंग वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टर ऑफ हीट, राइट, और क्योंकि बेटा कॉपर बेस्ट कनेक्टर माना जाता है बेटा, वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टर्स माना जाता है हीट का. आगे बढ़ते फैक्टर में आते हैं येलो बॉक्स में. हीट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ अबाउट 100. हीट बेटा क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिसके 100 होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. 1000 मिलियन मतलब 10 की पावर 17 जूल्स रीचेस अर्थ फ्रॉम द सन. वो बेटा इतनी स्पीड से सन से हमारे पास धरती पे गर्मी आती है. एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में बेटा, मतलब हमारे कहने का मतलब है कि हर सेकेंड में सूरज से जो हमारे धरती में जो गर्मी पड़ती है उसकी पावर होती है, उसकी स्पीड होती है 10 की पावर 17. इतनी ज्यादा स्पीड होती है. ओके, द वास्ट स्पेस बिटवीन सन एंड अर्थ इज फ्री ऑफ एनी मैटर येट वी गेट दिस मच हीट. क्योंकि बेटा आप जानते हैं जो सन और अर्थ है उसके बीच में जो स्पेसेस हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, उसके बीच में कोई भी मैटर नहीं होता, और इसी वजह से बेटा जो उनकी हम कह सकते हैं जो स्पीड होती है जिससे सूरज से गर्मी हमारे अर्थ की ओर आती है वो इतनी ज्यादा होती है कि बीच में कोई डिस्टर्ब करने वाला एलिमेंट नहीं होता. आगे बढ़ते हैं. दिस प्रूव्स दैट रेडिएशन डज नॉट नीड एनी मीडियम. इसी वजह से हमें ये प्रूव हो जाता है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे आप, कि जो रेडिएशन होता है उसको कोई भी मीडियम या कोई माध्यम नहीं चाहिए होता ट्रेवल करने के लिए. आगे बढ़ते हैं. बर्ड्स पफ ऑफ देयर वेदर्स इन्वेंटेड टू कवर देमसेल्फ विद अ कोट ऑफ एयर. बर्ड्स क्या करते हैं बेटा, अपने अपने बॉडी को विंटर्स में क्या करते हैं बेटा, अपने वेदर से अपनी बॉडी को कवर कर लेते हैं सो दैट बेटा वो जो ठंडी लहरें चलती हैं उससे अपनी बॉडी को बचा सके. which acts as an insulator as the feather creates thousands of air pockets. और क्योंकि बेटा ये एक इंसुलेटर, मतलब बेटा जहां पर हीट हम रोक पाते हैं, राइट, वो एक इंसुलेटर की तरह काम करती है, क्योंकि वो जो फेदर होता है वो एक कोट की तरह, मतलब जो एयर पॉकेट बना देता है जहां से हवा इतनी इजीली नहीं निकल पाती. एयर एज वी नो दैट इज अ बैड कनेक्टर ऑफ हीट सो द बर्ड्स डू नॉट लूज बॉडी हीट. और क्योंकि हम जानते हैं कि जो हवा होती है बेटा वो बैड कनेक्टर ऑफ हीट होती है, इस वजह से जो बर्ड्स जब अपनी बॉडी के आसपास कवर अपनी बॉडी को कवर कर लेती है अपनी पंख से और इनकी बॉडी में जो हीट होती है वो रहती है. अब बेटा यहाँ पर मैं अपनी क्लास जो रीडिंग पार्ट है वो फिनिश करता हूँ, थर्मोफ्लास्क का नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. आइए हम जरा इन क्वेश्चन से देखते हैं बेटा. लास्ट क्वेश्चन हमने करा था, क्वेश्चन 6 था,
क्वेश्चन 7 8 9 10 11 12 इन क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. अब हम बेटा इन टर्म्स को डिफाइन करना है. व्हाट आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स. अब ध्यान रखना बेटा, कंडक्टर्स ऑफ हीट बेटा वो मटेरियल्स होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है. फॉर एग्जांपल वाटर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, राइट. ओके, आगे बात करते हैं इंसुलेटर्स या नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट. वो मटेरियल्स होते हैं बेटा कि जिनसे हीट फ्लो नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल प्लास्टिक्स, वुड, राइट. ये वो चीजें हैं जिनसे बिजली फ्लो नहीं कर सकती. अब इसके आंसर के लिए मैं आपको बता दूं, डिफाइन के लिए बोला, बस डेफिनेशन बताने के, इसके डेफिनेशन क्या होती है, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा बेटा पेज नंबर, लेट मी टेल यू. ओके, पेज नंबर 41 पे आप आ जाइए. पेज नंबर 41, ये रहा हमारा आंसर. देखिए सेकंड पैराग्राफ, सॉरी लास्ट पैराग्राफ है, वहां से आपको मार्क करना है. द मटेरियल्स व्हिच अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम बाय कंडक्शन आर नोन एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट. डन. मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पेज नंबर 41 में बेटा बात कर रहा हूं मैं लास्ट पैराग्राफ की. द मटेरियल्स व्हिच अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम बाय कंडक्शन इज कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, राइट. नेक्स्ट आते हैं इंसुलेटर्स या नॉन कंडक्टर. इसके लिए आपको आना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे ही आप आ जाइए. ओके, लेट मी सी कहां पर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है बेटा, क्योंकि चलती फिरती डेफिनेशन नहीं चाहिए हमें. ओके, ये रहा, देखिए ना, सेम पेज पे ना 41, ये रहा. ओके, ये रहा, सम मटेरियल्स डू नॉट कंडक्ट हीट, दे आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर ऑफ हीट. फॉर एग्जांपल वुड, प्लास्टिक, ग्लास, एटसेट्रा. देन ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बेटा. गिव डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट. कि हमें एग्जाम्पल्स बताने हैं कि कंडक्टर्स ऑफ हीट के एग्जाम्पल और नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट के एग्जाम्पल. ओके, सो इसके लिए हमें आना पड़ेगा पेज नंबर 42 पे. नेक्स्ट पेज, यहाँ से मार्क करेंगे. गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर दिस विच एंड द अलॉयज आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, नंबर 1. नंबर 2, नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट आर यूज फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स सो दैट इवन द हॉट कुकिंग यूटेंसिल्स कैन बी लिफ्टेड सेफली. बस यही दो पॉइंट्स है बेटा, बाकी आप इसके एग्जांपल्स यहाँ पर हमें दे रखते हैं, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं. देखो ये रहा, ओके, कंडक्टर्स ऑफ हीट का एग्जांपल ले रहे हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, और ऐसे नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट का एग्जांपल ये रहे हैं बेटा वुड, प्लास्टिक, ग्लास, एटसेट्रा. देन हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, देखते हैं क्या है, व्हाट इज कन्वेक्शन, कि कन्वेक्शन क्या होता है. इसके लिए आपको आना पड़ेगा पेज नंबर 43 पे बेटा, ये लास्ट पैराग्राफ, ये रहा कन्वेक्शन क्या होता है. देखो ये रहा, थर्ड लाइन पे आप आ जाएंगे. द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज कैरिड फ्रॉम द हॉटर टू द कोल्डर पार्ट ऑफ द लिक्विड और गैस बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स देमसेल्व्स इज कॉल्ड कन्वेक्शन. ये हो गया पेज नंबर 43 पे बात कर रहा हूँ बेटा, लास्ट पैराग्राफ थर्ड लाइन पे बात कर रहा हूँ. द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट से लेकर लास्ट तक कन्वेक्शन तक. देन क्वेश्चन 10 पे आना है, व्हाट इज सी ब्रीज एंड व्हाट इज लैंड ब्रीज. के सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होता है, इसमें डायग्राम बनेगा, तो ध्यान से आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ओके, बात करते हैं. ओके, सी ब्रीज क्या होता है बेटा, ये रहा, देखो जस्ट अ सेकंड, लेट मी गिव यू अ प्रॉपर डेफिनेशन. ओके, यहां से मार्क करेंगे बेटा. ड्यूरिंग द डे लैंड गेट्स हीटेड अप फास्टर देन द वाटर, एज अ रिजल्ट को कट कर देंगे. द एयर अबव द लैंड बिकम्स वार्म एंड एज हॉट एयर इज लाइटर इट राइजेस अप. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, एज अपवर्ड करंट इसको कट कर देंगे. यहां से आप आ जाएंगे, द कूल एयर ब्लोइंग ओवर द सी रशेस टुवर्ड्स द लैंड टू फिल द स्पेस लेफ्ट विद द हॉट वाटर. उसके बाद आप लिखेंगे, द ब्रीज दैट ब्लोस फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड सैंड ब्रीज, सॉरी सी ब्रीज, राइट. इसके साथ मेरा डायग्राम हमारे पास, ये सी ब्रीज का डायग्राम है, यहाँ पे मार्क कर लेंगे. लैंड ब्रीज क्या आ जाइए बेटा, पेज नंबर 44 पे बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट लाइन, लास्ट पैराग्राफ पे. ये रहा, एट नाइट लैंड मूव्स आर फास्टर देन द वाटर इन द सी, द एयर ओवर द सी, आई थिंक, या ये कंप्लीट कर रहा होगा बेटा, नेक्स्ट लाइन में यहाँ तक हो जाएगा. देन इसके साथ डायग्राम ये ड्रॉ हो जाएगा हमारा, वी हो गया. नेक्स्ट आता है बटा ओशन करंट एंड बटा मानसून, कि ओशन करंट क्या होता है, मानसून क्या होता है, इसके लिए आपको आना पड़ेगा ये रहा. ओके, ओशन करंट्स आर कन्वेक्शन करंट जनरेटेड इन द सी, दे आर कॉज्ड ड्यू टू द अनइक्वल हीटिंग ऑफ द ओशन वाटर. द सन रेज फॉल बर्डिंग इन द इक्वेटोरियल रीजन एंड स्लाइटली इन द पोलर रीजन. दैट्स इट, फर्स्ट टू लाइंस आपका आंसर हो गया, आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का. क्वेश्चन 12 की बात करते हैं बेटा, व्हाट आर मॉनसून्स, के मॉनसून्स क्या होता है, ये हमारे पास. देखो मॉनसून्स आर कॉज्ड बाय द मॉनसून विंड्स दैट आर क्रिएटेड बाय द टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ लैंड एंड ओशन. During summer, the hot air over the land rises and this causes rain over the Indian subcontinent, right? तो ये complete paragraph हो गया बेटा. मैं अपनी video को यहाँ पर end करता हूँ. Question 7, 8, 9, 10, 11, 12 मैंने discuss करे हैं. अगर आपको अगर वहाँ से आती रोशनी से अगर कुछ इसमें दिखने problem है तो चिंता करने वाली बात नहीं है बेटा. मैं आपको इसकी picture क्लिक करके आपको WhatsApp group पर send कर दूँगा. Definitely आपको ये book जितना हमने पार्ट करा है वो आपको करना है.
प्लस जो बेटा मैं आपको क्वेश्चन आंसर में आपको डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 11 पर, वो भी आपको अपनी नोटबुक्स में फिनिश करने हैं। एंड इन केस आपको कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, डिफिकल्टी फील होती है तो आप ग्रुप पे अपने मैसेजेस भेज सकते हैं, रिटर्न फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, जैसे भी आपको ठीक लगे। थैंक यू सो मच, कंप्लीट योर वर्क एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।